हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सीधे गाड़ी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करेंगे आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक प्रतिनिधि पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हम नया टॉपिक, नया चैप्टर या फिर मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो हेडिंग आपको दिख रही है थंबनेल के ऊपर, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंदर सेट हमारे पास कम्प्लीट हो चुका है और आज हम बात करेंगे रिलेशन की। ठीक है दोस्तों, रिलेशन में हम किस प्रकार से, किस तरह से लेके चलेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं या फिर जो बने हैं पिछली बार, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स में, ठीक है, उन टाइप उसी टाइप के हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है तो देखते दोस्तों, यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन विद डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और उनके एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स वगैरह लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रिलेशन की संबंध। ठीक है तो रिलेशन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। सबसे पहले हमारे पास जो बात रहेगी दोस्तों, उसमें सबसे पहले टॉपिक की रहेगी रिलेशन के अंदर समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। और यहाँ पे मैं बात करूँ कार्तीय गुणनफल में दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, और इसमें बात करूंगा दोस्तों क्रमित युग्म। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ड यूज ले रहा हूँ दोस्तों कर्मित युग्म। ठीक है, यानी कार्तिक जो गुणनफल कर रहे हैं वो कर्मित युग्म होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर पेयर किस होना चाहिए दोस्तों, ऑर्डर पेयर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, एंड इसमें मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो भी हमारे पास सेट है, दो सेट है। ठीक, ऑर्डर पेयर का मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा था दोस्तों की अगर ए और बी, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास कार्टेशियन यानी कि जो निर्देशांक होता है, ठीक है, ज्यामितीय निर्देशांक के बारे में दोस्तों, जिसके अंदर एक्स और वाई की बात करते हैं। ठीक है, या फिर मैं दो और तीन, यानी कि यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों एक्स निर्देशांक यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास दो रहेगा, एक्स निर्देशांक दो रहेगा। और यहाँ पे मैं वाई निर्देशांक की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, तीन रहेगा। ठीक है, यानी हमेशा आपको पता ही है दोस्तों कि जब निर्देशांक या फिर किसी भी बिंदु प्लेन पर किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करते हैं तो पहले हमें एक्स निर्देशांक लिखना पड़ता है और फिर बाद में वाई निर्देशांक लिखना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम स्वयं समुच्चय का जब कार्तीय गुणनफल कराएंगे तो उसका क्रमित युग्मों को ध्यान में रखेंगे, यानी क्रम के अनुसार ही लिखेंगे, जैसे ए बी या एक्स वाई, एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, तो इसी क्रम को हम ध्यान में रखते हुए इनको क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। ठीक है, कार्तीय गुणनफल। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कोई भी सेट दे रखा है इस प्रकार से, एक दो और तीन एलिमेंट इस प्रकार से इसमें है। ठीक है, बी हमारे पास जो सेट दे रहे दोस्तों, बी के जो एलिमेंट हमारे पास वो इस प्रकार से ए बी और सी। ठीक है, इसका हमें क्या करना दोस्तों, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ या फिर प्रोडक्ट ऑफ कार्टेशियन, एंड इसकी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों देखो कि ए क्रॉस बी इसको गुणा कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात आती है इनका गुणा करना। ठीक है, तो गुणा मैं कर रहा हूँ दोस्तों, गुणा यहाँ पे आई थिंक आप पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ एक दो तीन, एंड मल्टीपल का साइन लगा रहा बीच में ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहेगा कि यहाँ पे गुणा इस प्रकार से करेंगे, ए को पहले यहाँ पे ए से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे बी से गुणा करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे सी से गुणा करेंगे, फिर बाद में बी को ए को, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे दो को यहाँ पे ए से गुणा करूंगा, फिर बी से गुणा करूंगा, फिर सी से गुणा करूंगा, फिर इसी प्रकार तीन को ए बी सी से गुणा करूंगा। हमारे पास क्रम जो है वो इस प्रकार से करना चाहिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो देख रहे दोस्तों यहाँ पे मैं किस प्रकार से इसको गुणा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ए इंटू बी, तो यहाँ पे ए को पहले ए के साथ, बी के साथ, तो तीन के साथ, सी के साथ, सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट एक ए, ठीक, एक ए, फिर बाद में एक बी, फिर बाद में यहाँ पे एक सी, फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दो ए दो बी और दो सी, फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे तीन ए और तीन बी और तीन सी। ठीक है, और इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर, इस प्रकार से करके रहेगा दोस्तों गुणनफल रहेगा। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों अगर बी क्रॉस ए की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बी क्रॉस ए, मतलब यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे ए क्रॉस बी और ए बी क्रॉस ए बराबर नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं रहेगा अभी हम देखते हैं। यहाँ पे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए बराबर रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट
of this कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफसेट इज आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसको एक एलिमेंट बढ़ा जाएगा इसमें, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो समान रहेगी लेकिन इनकी जो स्थिति रहेगी वो अलग रहेगी। कैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ए बी सी को आगे लिख दिया मैंने, ए बी सी को आगे यानी बी के सेट यहाँ पे आगे लिख दिया, और यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा हूँ एक दो और तीन, इसको मैंने पीछे लिख दिया। अब इनको गुणा करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे ए को एक के साथ गुणा करेंगे तो ए एक एंड ए दो ए तीन, फिर अगेन यहाँ पे बी एक और बी दो बी तीन, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सी एक एंड फिर बाद में सी दो एंड सी तीन, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये कह रहेगा दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जस्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इन इन बोथ मल्टीप्लेक्सर आर इक्वल, बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनकी स्थिति अलग है, यहाँ एक ए है यहाँ पे ए एक है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे और इसके एग्जाम्पल की, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वैसे बहुत सरल तरीके से सब लेके चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उनको एक बार बिना विलंब किए दोस्तों उतारे, ठीक है। फिर बाद में इन्हीं की कंडीशन के आधार पर और भी कुछ नई बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। जब यहां से मैं इनको हटा रहा हूं दोस्तों और नेक्स्ट बात कर रहा हूं इन्हीं से आगे, जब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास कोई भी दो सेट दे रखा है, ठीक है, कोई भी दो सेट दे रखा है उनका हमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कह रहा हूँ ए कॉमा बी सच दैट, ए कॉमा बी सच दैट, सच दैट के लिए यहाँ पे कॉलन लगा सकता हूँ या फिर लाइन खींच सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है, सच दैट, सॉरी सॉरी देखो। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि ए इज एप्सिलॉन, ए इज एप्सिलॉन ए, ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ए इज एप्सिलॉन ए, यानी सेट ए से बिलोंग कर रहा है, एंड एंड बी इज एप्सिलॉन बी, ठीक है दोस्तों, बी इज एप्सिलॉन बी, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर इस प्रकार से हमारे पास है, अगर इस प्रकार से हमारे पास कंडीशन बनती है तो मैंने बताया दोस्तों कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक, ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, अभी मैंने पिछली बार प्रूफ करके बताया था दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट यानी ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे ये किसके बराबर है दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। यानी कोई भी सेट दे रखा है ए और सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि जितने भी एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, उनमें यहाँ पे जितने भी एलिमेंट उनको क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, तो यहाँ पे तो ए क्रॉस बी यानी दोनों जो हमारे पास सेट को आपस में गुणा करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगी दोस्तों, वो दोनों हमेशा बराबर आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इनके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी सेट ले रहा हूं मैं एक एक दो और चार, ठीक है, और दूसरा सेट यहाँ पे ले लेता हूं मैं पांच और छह, ठीक है दोस्तों। अब इनको मैं यहाँ पे आपस में गुणा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पे हम सारी चीज सारी बात चेक करेंगे कि यहाँ पे एलिमेंट के नंबर्स की बात करेंगे, यहाँ पे ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इक्वल होता है या नहीं होता, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी यानी एक दो
चार एंड फिर बाद में यहाँ पे पांच क्रॉस पांच कॉमन छह, ठीक है, इनको गुणा करने की कोशिश करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले एक को पांच के साथ, फिर दो को पांच के साथ, तीन को चार, नहीं सॉरी अब चार को पांच के साथ इस प्रकार से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है दोस्तों एक कोमा पांच, फिर बाद में एक कोमा छह, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों दो कोमा पांच और फिर बाद में दो कोमा छह, फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों चार कोमा चार कोमा पांच और चार कोमा छह, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर दिया। जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसमें भी हम बात करें कि एक दो तीन, यानी कि एन इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तीन है और एन बी इज इक्वल टू यहाँ पे दो है, दो को तीन से गुणा करके छह आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये वाला जो रूल है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये वाला रूल हमारे पास क्या है दोस्तों फॉलो हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों की बी क्रॉस ए, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी क्रॉस ए और बी क्रॉस ए में यहाँ पे पांच कोमा छह एंड यहाँ पे क्रॉस ए की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक दो और चार इनको मैं गुणा करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, देखो पांच कोमा एक एंड पांच कोमा दो, पांच कोमा दो और पांच कोमा चार, इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पांच कोमा एक और नहीं सॉरी यहाँ पे छह कोमा एक और छह कोमा दो और छह कोमा चार, ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सॉरी सिक्स की एक एक दो तीन चार पांच छह, और यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ दोस्तों देखो कि एन ए क्रॉस बी इज द सिक्स एंड एन ए इंटू एन बी इज ऑल्सो सिक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों बराबर नहीं, ठीक है दोस्तों यहाँ पे बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक पांच है, इसका क्रम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए क्रॉस ए कोमा बी और इसका यहाँ पे बी कोमा है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, यानी कि जो मैंने बताया तो क्रम युग्मित तो होना ही चाहिए आपका, ठीक है, क्रम का युग्मित तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ जो दोस्तों यहाँ पे अगर इसी में अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी की तो बात हो सकती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ए क्रॉस ए निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए भी निकालना, यानी गुणा हम जनरली में बात करें तो समझ लो आर्थिक गुणनफल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ नई बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, गुणनफल के बारे में ही बात चल रही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक दो चार, ठीक है, इसको गुणा करना हमें एक दो चार के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे एक को पहले तीनों के साथ गुणा, फिर दो को तीनों के साथ गुणा, फिर चार को तीनों के साथ गुणा, टोटल यहाँ पे नौ केस बनेंगे, ठीक है दोस्तों नौ एलिमेंट यहाँ पे आने वाले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक एक फिर एक दो और एक चार, ठीक है, फिर बाद में दो एक और दो दो और दो चार, ठीक है, फिर बाद में बात करना दोस्तों चार एक चार दो और चार चार, ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको पीछे ये दिख रहा होगा, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों बी क्रॉस बी की, ठीक है, बी क्रॉस बी की यहाँ पे कितने एलिमेंट है दोस्तों, यहाँ पे बी में यहाँ पे टोटल मैं कह सकता हूँ दो एलिमेंट है, दो इंटू दो चार होने वाले, ठीक है दोस्तों पांच और छह, ठीक है पांच और छह, ठीक है पांच और छह और पांच और छह, ठीक है, इसको आपस में हम गुणा करने की कोशिश करें दोस्तों, यहाँ पे पांच कोमा पांच, ठीक है पांच कोमा पांच और फिर बाद में पांच कोमा छह, ठीक है पांच कोमा छह, ठीक है फिर बाद में छह कोमा पांच और एक मिनट, ठीक है और छह कोमा छह, इस प्रकार से हमारे पास चार एलिमेंट दोस्तों आ जाता है एक दो तीन चार, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, कार्तिक समझ लो कार्तिक गुणनफल हम किस प्रकार से कर रहे हैं आपको आई थिंक पूरा का पूरा जो है समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उत्तर फिर बाद में नेक्स्ट अगेन बात करूंगा दोस्तों इससे कैसे एक और एग्जाम्पल लेके, ठीक है, और इन एग्जाम्पल्स को हम वापस गुणा करके ही बताएंगे दोस्तों, ठीक है, और इनमें बताएंगे कि किस प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है।
यहाँ से हटा रहा दोस्तों अब इसको, और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इससे के आगे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इन्हीं के गुणनफल के बारे में। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक और एग्जांपल, जैसे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोई भी एक सेट देगा ए और इसके एलिमेंट हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से हैं ए कोमा दो ले लेता हूँ, ठीक है दो एलिमेंट ले लेता हूँ। दूसरा सेट ले रहा हूँ दोस्तों बी और इसके मैं एलिमेंट ले रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से की ए कोमा बी ले लेता हूँ इसमें, ठीक है ए कोमा बी। और तीसरा एलिमेंट दोस्तों मैं कह रहा हूँ सी नहीं तीसरा सेट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से ले रहा हूँ मैं तीन पांच और छह तीन चार और पांच, ठीक है इस प्रकार से मैंने लिया। अब इनको क्या करना दोस्तों देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, ठीक है यानी किसी तीन संख्या को गुणा करना है तो पहले दो संख्या को गुणा करना पड़ेगा फिर तीसरी के साथ गुणा करना पड़ेगा, यानी हम कोई भी किसी भी प्रकार से गुणा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ का अनुपालन होती है या फिर साचार्य नियम की अनुपालना होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इन दोनों को लूंगा पहले फिर बाद में इसको लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करें तो दोस्तों सबसे पहले ए क्रॉस बी फिर बाद में सी को लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए कोमा दो, ठीक है इसी के साथ यहाँ पे ए कोमा बी, ठीक है और इसको मैं गुणा कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है इसको तीन चार पांच, ठीक है। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेता हूं तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों एक एक ए फिर बाद में एक बी फिर अगेन यहाँ पे दो ए और दो बी, ठीक है इसको गुणा करो यानी चार एलिमेंट यहाँ का दोस्तों और फिर बाद इसको इसके साथ गुणा करो चार पांच तीन चार पांच के साथ गुणा करो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं वही तरीका दोस्तों पहले एक ए को यानी इस एलिमेंट को तीन के साथ फिर बाद में टोटल हमारे पास एक दो तीन चार और एक दो तीन, ठीक है इसमें हमारे पास टोटल एलिमेंट चार है इसमें तीन चार थी बारह यहाँ पे टोटल एलिमेंट मानने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ देखो एक ए और तीन, ठीक है एक ए चार फिर बाद में एक ए और पांच, ठीक है फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि एक बी चार फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक बी एक मिनट सॉरी यहाँ पे एक एक बी तीन, ठीक है एक बी तीन एक बी चार और फिर बाद में एक बी पांच, ठीक है फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दो ए तीन फिर बाद में दो ए चार फिर बाद में यहाँ पे दो ए पांच, ठीक है फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दो बी तीन और दो बी चार फिर दो बी पांच, ठीक है इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों कि नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है या फिर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ सेट ए इज मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड मल्टीपल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी दैट आर इक्वल, ठीक है यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दो इंटू दो चार और चार इंटू तीन बारह हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है दोस्तों इस प्रकार से मैं यहाँ पे गुणा भी कर लिया और गुणा के साथ साथ यहाँ पे इनके एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट यानी इनके अवयव की संख्या के बारे में भी हमने जानकारी ली, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद और भी कुछ बातें हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन के रूप में रहेगी, जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इनके रूल, ठीक है इनकी मैं बात कर लेता हूँ फिर बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों रिलेशन के बारे में, ठीक है संबंध संबंध की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बार इनको जल्दी से बिना विलंब किए उतार फिर बाद में अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद।
देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया इनको, ठीक है। करने में आपको यानी जो भी बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों उसको साथ साथ में जल्दी से स्पीड से इनको करें, ठीक है। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताए दोस्तों, ये आपको पक्का ध्यान रखना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है मुझे, ठीक है। वैसे आप सब होशियार है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर कहीं से भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो सर किस प्रकार से आप गुणा कर रहे हो या फिर किस प्रकार से आप इनको रख रहे हो, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया था दोस्तों इसका क्रम का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं दोस्तों कि यदि हमारे पास देखो यहां पर मैं कह रहा हूं दोस्तों ए क्रॉस बी यूनियन सी हमारे पास दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सोल्यूशन या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, ए इसको इस प्रकार से भी कर सकते ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इस प्रकार से भी इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ए क्रॉस बी यूनियन सी को यहाँ पे ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह रहा हूं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सॉरी यहाँ पे ए क्रॉस सी, ऐसा भी इनको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इनको अलग अलग करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मैंने बताया था अभी भी पहले भी बताया था ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये कभी भी इक्वल नहीं होते, लेकिन ये कब रहेंगे इक्वल, ये संभव कब होगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों संभव होगा, संभव होगा ये कब संभव होगा, जब हमारे पास ए इज इक्वल टू बी हो, ए इज इक्वल टू क्या रहे दोस्तों बी रहे, तब यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए रहेगा, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे ए क्रॉस बी माइनस का सी, ठीक है। ए क्रॉस बी माइनस का सी, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको मैं ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, इस प्रकार से भी मैं इनको लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट इसको उतारे दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूंगा नेक्स्ट अगेन रिलेशन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक आपने इसको उतार लिया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने रिलेशन लिखा है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी प्रकार से यहाँ से बाय एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो आप छोटे मोटे परमिशन मुझे माने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपको ये ध्यान है पता है तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से, और यहाँ पे मैं बात करूँगा दोस्तों सेट की, ठीक है। सेट की किस प्रकार से परिभाषा रहती है या फिर इनके डायरेक्ट एग्जाम्पल्स के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम यहाँ पे परिभाषाएं वगैरह लिखा है, इतना हमारे पास टाइम तो वैसे है, लेकिन इतना हम आपको बोर नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है, किस प्रकार से रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों की रिलेशन, ठीक है, हेडिंग है हमारे पास संबंध, संबंध, ठीक है, संबंध और रिलेशन, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रिलेशन को हम आर से डिनोट करेंगे, यानी कि संबंध, संबंध होगा, ठीक है, ए से बी, यहां पे मैं कह रहा हूं संबंध होगा ए से बी, ए से बी में संबंध होगा यदि, ए से बी में, यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों ए से बी में संबंध होगा, ए से बी में संबंध, ए से बी में संबंध होगा यदि, यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों यदि R इज सबसेट ऑफ, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और सबसेट इन उप समुच्चय के बारे में दोस्तों मैंने अच्छे से बताया, यानी कि यहां पे मैं कह सकता हूं दोस्तों R के प्रत्येक अवयवीय, R के प्रत्येक अवयवीय A क्रॉस B के अंदर आ जाए तो वो क्या करेगा, वो क्या रहेगा दोस्तों A से B में संबंध होगा, A से B में संबंध होगा, ठीक है, जब R is subset of A cross B, ठीक है दोस्तों। I think आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं किस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि यहाँ मैं A is equal to 1, 2, 3 एंड सेट A is equal to के लिए, और सेट B is equal to यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों 3, या फिर
4.5, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, गुणा कर रहा हूँ ए क्रॉस बी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, गुणा कर रहा हूँ। यहाँ पे गुणा करने का जो तरीका दोस्तों मैंने क्लास में शुरू होते ही बता दिया था, ठीक है दोस्तों, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट करना है अप टू सेट, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 1, 4, ठीक है, 1, 4, फिर बाद में यहाँ पे 1, 5, ठीक है, फिर बाद में 2, 4 और 2, 5, फिर बाद में अगेन यहाँ पे 3, 4 और 3, 5, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट अगेन आगे, और यहाँ पे मैं जस्ट कह रहा हूँ दोस्तों, इसके आगे मैं यहाँ पे जस्ट कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों R1, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिलेशन लिया मैंने R1, और R1 मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट 1.4, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों A क्रॉस B है, इसके जो हमारे पास अभी भी है वो इस प्रकार से हमने निकाला है, टोटल यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने R1 लिया, R1 का जो हमारे पास अभी भी है दोस्तों वो इस प्रकार से है, ठीक है, R1 का जो अभी भी हमारे पास है वो इस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्या ये R1, क्या जो R1 का जो हमारे पास समुचय है या फिर मैं कह सकता हूँ इस जो सेट है, क्या ये बिलोंग कर रहा है यहाँ पे A क्रॉस B से बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, यानी R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि R1 सबसेट ऑफ A क्रॉस B है या नहीं, आप बता सकते हो दोस्तों, 1, 4 ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों R1 क्या है, एक संबंध होगा, R1 क्या रहेगा दोस्तों, एक संबंध होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1 संबंध है, ठीक है, R1 संबंध होगा, ठीक है दोस्तों, R1 संबंध होगा A से B में, ठीक है, A से B में R1 संबंध होगा, कब होता है दोस्तों कि R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, और R2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि 2, 4, ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे 3, 4, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा है इसको, और मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो सेट दे रखे, या फिर मैं इससे R2 सेट के लिए यहाँ पे 2, 4 और 3, 4 यहाँ पे इसमें दे रखे दोस्तों, 2, 4 देखो, 2, 4 और 3, 4 R2 यानी कि A क्रॉस B के अंदर R है, मैं कह सकता हूँ दोस्तों R2 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, देख मैं कह सकता हूँ दोस्तों R2 क्या रहेगा हमारे पास, एक संबंध होगा, ठीक है, कहां से कहां तक, A से B में, यहाँ पे क्या कह सकता हूँ दोस्तों, ए संबंध होंगे, ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पे मैं R3 ले रहा हूँ, ठीक है, और R3 के लिए मैं बात करना चाहूँ दोस्तों तो किस प्रकार से ले रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 3.5 और 1, R3 3.4 और 3.5 और 3.6, ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, और इस सेट के अंदर हम देख सकते हैं दोस्तों कि 3.4, 3.5 तो है बट लेकिन 3.6 यहाँ पे नहीं आ रहा, इस A क्रॉस B में 3.6 आपको कहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि R3 इज नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि या फिर 3.6 इज नॉट बिलोंग टू यहाँ पे A क्रॉस B, ठीक है, यहाँ पे A क्रॉस B के अंदर आते ही नहीं दोस्तों, इज नॉट बिलोंग, नॉट एप्सिलॉन, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि R3 संबंध नहीं होगा, R3 क्या नहीं होगा दोस्तों, संबंध नहीं होगा, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ पा रहा है दोस्तों, ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं आसानी से इसको वापस एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, वैसे आप इसको एक बार थोड़ा स्पीड मेरे बोलने की थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तो इसको एक बार वीडियो को वापस देखे, ठीक है, रिवाइज करके देख सकते हो, और अगर आपको मेरी स्पीड भी अच्छी लग रही है तो आपको समझ में भी आ रहा है दोस्तों, तो आई थिंक आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं धीरे धीरे बोलूँ तो आपके लिए थोड़ा सा बोरिंग सा फील होगा, ठीक है, तो आपको जितना ज्यादा हो सके दोस्तों कंसंट्रेट होके समझने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल्स या थ्योरेटिकल पोर्शन ले रहा हूँ मैं, इसको एक बार बिना विलंब किए उतारे, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और इसको भी करने की कोशिश करते रहे दोस्तों,
यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कोई भी हमारे पास रिलेशन मैं ले रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, देखो यहाँ पे R is equal to कि A, B such that एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों A is epsilon A and B is epsilon B, ठीक है, A is epsilon A और B is epsilon A, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास जो ये वाला A है वो कहाँ से बिलोंग करेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये वाला जो A है मैं कह सकता हूँ दोस्तों बिलोंग टू कैपिटल A, मीन्स यहाँ पे सेट A से बिलोंग होना चाहिए। और फिर बाद में यहाँ पे इसकी बात करूँ तो B is also epsilon कैपिटल बी, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्रम जो ऑर्डर फेड है उसका हमारे पास अनुसरण होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये होता है और मैंने बताया बार बार बताया दोस्तों आपको पता भी चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक रिलेशन दे रहा है इस प्रकार से ए कॉमा बी सच देट ए इज एप्सिलॉन ए और बी इज एप्सिलॉन बी, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा हूँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि ये संबंध है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। वैसा भी हमने जो पिछला एग्जाम्पल किया था वैसा का वैसा ले रहा हूँ मैं, किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर या कोई भी सेट ले रखा हूँ दोस्तों इस प्रकार से जिसके एलिमेंट ए दो और तीन है और कोई भी दूसरा सेट रहेगा दोस्तों बी और इसके जो एलिमेंट है ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है दोस्तों इस प्रकार से मैंने लिखा। एंड मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसमें अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहले आर वन ले रहा हूँ, ठीक है, और आर वन इस प्रकार से ले रहा हूँ ए कोमा ए दो कोमा बी और फिर वहां में तीन कोमा या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों तीन कोमा सी, ठीक है, इस प्रकार से मैंने आर वन लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मैंने गुणा नहीं किया, ए को बी के साथ गुणा नहीं किया है और डायरेक्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से मैंने आर वन लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए और बी है और यहाँ पे मैंने आर वन लिया, ठीक है दोस्तों। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये हमारे पास ये जो लिख रहा है यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आर वन हमारे पास आर वन ए से बी में संबंध होगा, ठीक है दोस्तों। अब संबंध क्यों होगा, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा दोस्तों ये ए से बी में क्या होगा संबंध होगा और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कंडीशंस कह रहा है दोस्तों ए इज द एप्सिलॉन कैपिटल ए और बी इज एप्सिलॉन कैपिटल बी, दैट ए इज द यानी कि जो पहला जो हमारे पास इस जो हमारे पास ये सेट दे रखा है इसके अंदर यहाँ पे क्रम युग्म यानी क्रम युग्म है उसका अनुसरण हो रहा है, यहाँ पे ये जो पहला जो अवयवी है यानी कि पहला जो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जो एक्स जो दे रखा है एक दो तीन, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करा दोस्तों ए से बिलोंग करा और जो बाकी वाला जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये बी ए ए बी सी यहाँ बी से बिलोंग करने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये ए से बी में ये संबंध होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आर टू के लिए और आर टू में बात करना चाहूँ दोस्तों तो किस प्रकार से देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दो कोमा ए, ठीक है, और तीन कोमा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सी या फिर मैं कह सकता हूँ बी एंड यहाँ पे मैं बात कर लूँ दोस्तों तीन फिर अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तीन कोमा बी या फिर ए, ठीक, इस प्रकार से मैंने लिखा है और ये भी हमारे पास आर टू है और मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये आर टू हमारे पास आर टू ए से बी में संबंध होगा और क्यों होगा दोस्तों आप अच्छे से समझ पा रहे हो दोस्तों, इसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये जो मैंने सेट लिया है इस सेट के अंदर दो ए तीन बी और तीन है ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करे दोस्तों, दो यहाँ पे ए से बिलोंग करा है, तीन यहाँ पे ए से बिलोंग करा है, तीन यहाँ पर भी ए से बिलोंग करा है, ए बी ए यहाँ पे बी से बिलोंग करा है, ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स कह सकते हो दोस्तों हमारे पास ये आर से बी में क्या होंगे दोस्तों संबंध होंगे। एंड इस जो ये रिलेशन है या फिर ये रिलेशन हमेशा एज ए थ्योरेटिकल पोर्शन आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आर थ्री के लिए और आर थ्री में मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए कोमा ए और ए कोमा बी ए कोमा सी और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए कोमा डी, ठीक है, इस प्रकार से लिखा और मैं कह रहा हूँ दोस्तों आर थ्री ए से बी में संबंध नहीं होगा, ए से बी में संबंध नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये संबंध क्यों नहीं होगा आप अच्छे से समझ पा रहे हो दोस्तों कि एक एक दो तब एक 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 यहाँ से कहाँ से बिलोंग करा सेट ए से बिलोंग करा है और ए बी सी बी से बिलोंग करा बट लेकिन डी यहाँ पे है नहीं दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ D is not epsilon B, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों A से B में ये क्या नहीं होगा दोस्तों, A से B में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों संबंध
नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि R4 के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से कि A, B और फिर बाद में 3, 4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ R4 A से B में संबंध नहीं होगा, A से B में संबंध नहीं होगा, A से B में संबंध नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये जो चार है दोस्तों चार इज नॉट एप्सिलॉन A, इसलिए यहाँ पे दोस्तों कह सकता हूँ A से B में ये संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया था दोस्तों जिसके अंदर हमने बताई थी कि A से B में कौन संबंध होगा, कौन रिलेशन में होगा और कौन रिलेशन में नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद इसको उतार एक बार बिना विलंब किए हुए और एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी हम बात करते हैं आगे। यह समय इसको हटा रहा दोस्तों, नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ नई बातें करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लेंगे दोस्तों प्रांत और परिसर। ठीक है, प्रांत और परिसर की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। ठीक है, कोडोमेन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये कोडोमेन जो पार्ट होता है वो फंक्शन का होता है। किसका पार्ट होता है दोस्तों, फंक्शन का। रिलेशन के अंदर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, रिलेशन के अंदर कोडोमेन का डिस्कशन नहीं किया जाता है। ठीक है, मैं वैसे एक बार बता दूंगा, वैसे यहाँ पे कोडोमेन जो पार्ट है दोस्तों फंक्शन का होता है, फंक्शन के अंदर हम अच्छे से इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रिलेशन के अंदर डोमेन एंड रेंज की, प्रांत और परिसर की बात करूंगा और किस प्रकार से ये रहने वाला है आप अच्छे से इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से एक एग्जांपल है, कोई भी सेट दे रखा है ए और सेट ए में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हमारे पास अभी भी दे रखे और सेट बी दे रहा दोस्तों, सेट बी के दो अभी भी है हमारे पास ए बी सी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी रिलेशन ले रहा दोस्तों जिसके अभी भी 1, 3 भी ले लिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इनको ले लिया। ठीक है दोस्तों, और मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये हमारे पास यानी कि जो आर है दोस्तों ए से बी में संबंध होगा, ए से बी में संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए से बी में क्या होगा दोस्तों, संबंध होगा। आप अच्छे से देख पा रहे हो दोस्तों, इनको ए क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ पे एक ए और 3 बी इसके अंदर आएगा, ए क्रॉस बी में ये आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, पूरा मैं गुणा नहीं कर पा रहा हूँ या पूरा गुणा नहीं करूंगा। ठीक है, वैसे पहले मैंने इसके बेटर बता दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी एक ए और 3 बी आर ए से बी में संबंध होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, पहले भी मैंने इसके बारे में बता दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज्यादा हेडेक रहने की जरूरत नहीं, सर ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये हेडेक लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये कहां से आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद यहां पे मैं आगे बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट कि आर का प्रांत। ठीक है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, आर जो रिलेशन दे रखा है, आर का प्रांत क्या रहने वाला है। ठीक है, प्रांत या फिर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों डोमेन की, डोमेन। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आर का परिसर।
ठीक है, आर का परिसर, ठीक है दोस्तों, या फिर इसको इंग्लिश में लिख देते हैं लेंथ, ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में बात करा, ठीक है, आर का जो हमारे पास प्रांत रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, यानी जो रिलेशन हमारे पास दे रखा है, ठीक है, रिलेशन में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ कर्म युग्मित, यानी ए कोमा बी यहाँ पे जब लिखते हैं, ठीक है, ए कोमा बी सच देट ए इज एप्सिलॉन ए और बी इज एप्सिलॉन बी इज एप्सिलॉन बी, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे ये एक्स जो हमारे पास रहता है एक्स कोऑर्डिनेट, उसको हम यहाँ पे डोमेन से डिनोट करेंगे, ठीक है, किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, डोमेन से, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, बी को रेंज से डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक और तीन, एक और तीन यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको हम यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम यहाँ पे डिनोट करेंगे इनको प्रांत से, किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, प्रांत से इनको हम डिनोट करेंगे, ठीक है, इनको हम क्या किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, प्रांत से, एंड ये बाकी वाला तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वाई कोऑर्डिनेट वाले जो एलिमेंट है हमारे पास, उसको हम किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम रेंज से डिनोट करेंगे, ठीक है, परिसर से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये समझ में आ पा रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात होती है दोस्तों इसमें कि सर इसका सब प्रांत या कोडोमेन क्या रहता है, ठीक है दोस्तों, दैट यहां से मैं कह सकता हूं, तो दूसरा सेट होता है बी सेट होता है वो पूरा का पूरा किसको डिनोट करता है दोस्तों, को डोमेन को ही डिनोट करता है, लेकिन यहां पे हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारे पास किसका पार्ट नहीं रहता है, ये पार्ट नहीं रहता दोस्तों, ये हमारे पास रिलेशन का पार्ट नहीं था, ये फंक्शन के अंदर हम अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वैसे यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ तो सेट पूरा का पूरा बी रहता है वही हमारे पास कोडोमेन सब प्रांत रहता है, इसमें हम बात करें दोस्तों कि अगर आर का प्रांत यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स वाई या फिर एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मैं एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसको डिनोट करेगा दोस्तों, यहाँ पे प्रांत को, और जो वाई कोऑर्डिनेट रहता है वो किसको डिनोट करेगा, परिसर को डिनोट करेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हेडिंग यहाँ पे मैं या जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए से बी में, ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित, ए से बी में परिभाषित संबंधों की संज्ञा, संबंधों की संज्ञा, ठीक है दोस्तों, संबंधों की यहाँ पे संज्ञा के बारे में बात कर रहा हूँ, संबंधों की संज्ञा क्या रहने वाले, आई थिंक आप बता पाओगे दोस्तों इसके बारे में, इनका जो फॉर्मेशन होता है या फॉर्मूला होता है दोस्तों वो किस प्रकार से रहता है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन रहता है 2 की पावर mn होता है, ठीक है दोस्तों 2 की पावर mn, जहाँ पे अगर मैं m की बात करता हूँ दोस्तों, तो m is the number of element of set A और n is the यहाँ पे number of element of set B, ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप इसको समझ पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको इस संबंध को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर A से B में परिभाषित संबंधों की संज्ञा निकालनी है हमें, ठीक है, संबंधों की अगर संज्ञा निकाले दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है 2 की पावर mn, ठीक है, m यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B रहता है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका लेवल रहता है सेकेंड ग्रेड का, ठीक है, वैसे तो उसी लेवल के हिसाब से चल रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ एक जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए कर लें, देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और हम अगेन बात करेंगे दोस्तों इसके बाद ये क्वेश्चन की जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों प्रांत संज्ञाओं के समुच्चय ए में, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास प्रांत संज्ञाओं के
समुच्चय ए में प्राप्त संयोग के समुच्चय या एक मिनट प्राप्त संयोग के समुच्चय एन में, ठीक है, यहाँ पे मैं एन ले लेता हूँ, ठीक है, एन इज द नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। प्राप्त संयोग के समुच्चय एन में एक संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि एक संबंध संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार से परिभाषित है कि यहां पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि ए आर बी इज इक्वल टू या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों ए प्लस 3b इज इक्वल टू 10, ठीक है, ए प्लस 3b इज इक्वल टू 10। तो यहां पे हमारे पास जो रिलेशन रहता है दोस्तों वो क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, और हमें कह रहा है एक प्राप्त संज्ञा के समुच्चय n में, प्राप्त संज्ञा के समुच्चय n में, n या फिर प्राप्त संज्ञा है, मैं एक परि मैं एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि a का संबंध b से यानी a रिलेशन ऑफ b इज दैट a प्लस b इज इक्वल टू 10, a plus 3b is equal to 10। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास a और b जो हमें नंबर्स लेना है, a और b ऐसे नंबर लेना है दोस्तों जो हमें कहाँ से मिले, नेचुरल नंबर से मिले, प्राकृत संख्या से मिले, प्राकृत संख्या एक से अनंत तक चलती है, यानी कि a और b के मान हमें एक से अनंत तक रखना है दोस्तों, कहां तक रखना है, एक से अनंत तक रखना है, और उनको रखने के बाद ए प्लस थ्री भी हम रखेंगे तो इसका जो योग है वो 10 होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसको हम रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि ए प्लस 3b बराबर 10 दे रहेगा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 10 माइनस का 3b, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ क्या दोस्तों, ऐसा मैं इनको लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों सबसे पहले कि यदि a की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, तो बी हमारे यहाँ पे बी की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं मैं, तो यहाँ पे ए इधर एक क्या आएगा हमारे पास 10 माइनस 3 यानी 7 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर बी की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो ए क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 × 3 = 6, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4। बी की यहाँ पे मैं क्या दोस्तों बी की वैल्यू 3 रखता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास 10 - 9, ठीक है, तो यहाँ पे ए इधर 1 और बी की वैल्यू अगर 4 रखता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 10 - 12 यानी कि माइनस का 2, दोस्तों क्या ये प्राकृत संख्या होती है, क्या प्राकृत संख्या कहां से आती है, एक से अनंत तक चलती है, तो माइनस में तो उत्तर आते ही नहीं है, माइनस में तो प्राकृत संख्या होती ही नहीं, दैट यहां पे ये वैल्यू हम यहां से नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास जो संबंध बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, देखो यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों हमारे पास संबंध थोड़ा सा आप दिमाग लगाए दोस्तों और संबंध के बारे में बात करिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूं 7.1 और 4.2 और 1.3, ये मैंने किस प्रकार से लिखा है आपको अच्छे से पता चल गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्रम युग्मित होना चाहिए, ए कोमा बी इसके फॉर्म में होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए कोमा बी यानी कि 7.1 4.2 और 1.3 मैंने लिखा दोस्तों, आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया दोस्तों ये किस प्रकार से हमारे पास ये आया, ठीक है, यानी हमारे पास जो रिलेशन बना दोस्तों, यानी हमें यही कह रहा है कि प्राप्त संयोग के समुच्चय n में, यानी n में एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि a का संबंध r से, नहीं a का संबंध b से इस प्रकार से कि a प्लस 3b इज इक्वल टू 10 और r हमें यहाँ से निकालना है, और r यहाँ से मैंने निकाला है, और यहाँ पे कहना दोस्तों कि जो a और b की वैल्यू नहीं वो प्राकृत संज्ञा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दोस्तों प्राकृत संज्ञा होनी चाहिए, तो प्राकृत संज्ञा प्राकृत संज्ञा ही होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैं a प्लस 3b इज इक्वल टू 10 को यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 - 3b लिखा, और यहाँ से मैं a b की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे a 7 आया, b की वैल्यू 2 ली तो यहाँ पे 4 आया, a की वैल्यू b की वैल्यू 3 ली तो यहाँ पे 1 a यहाँ पे 1 आया, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास दोस्तों क्रम युग्म भी होना चाहिए, दैट यहाँ पे 7 पहले 1 बाद में
चार पहले, दो बाद में और एक पहले, तीन बाद में, इस प्रकार से लिखा। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन मध्य जिसमें या फिर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों आर का प्रांत, ठीक है, आर का प्रांत की बात करना चाहूँ दोस्तों तो प्रांत आई थिंक आपको समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ पे प्रांत की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट या फिर मैं कह सकता हूँ ए बी क्रम होता है जिसके अंदर ए वाला जो भाग होता है वो प्रांत को डिनोट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट में कैसे तो दोस्तों रहेगा अगर आपको सही मैं कह सकता हूँ अगर अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, तो चार सात और यहाँ पे एक ये कह रहे दोस्तों हमारे पास आर का प्रांत रहने वाला। ठीक है, अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों इसमें क्रम कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं दोस्तों मैं यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक चार सात या चार आगे ले लिया सात ऐसे। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे क्रम कुछ भी ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल के अंदर जो हमारे पास प्रांत है वही हमें लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट वाला हमारे पास क्या रहता है दोस्तों प्रांत रहना। ठीक है, यहाँ पे क्रम कुछ भी ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं आपको बता रहा दोस्तों और आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट यहाँ पे मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आपके एग्जाम में या ऑप्शन के अंदर आपको क्रम आप जो सोच रहे हो वो क्रम नहीं मिलते दूसरा क्रम मिले और आप कंफ्यूजन हो जाएगी ये तो क्रम है नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है दोस्तों, क्रम का महत्व तो यहाँ पे नहीं है, आर का सॉरी यहाँ पे आर का प्रांत। ठीक है, यहाँ पे परिसर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं परिसर की बात कर रहा हूँ, परिसर यानी वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास ही रहते हैं कि एक दो और तीन। ठीक है, एक दो तीन यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों एक दो तीन, यहाँ पर भी क्रम का कोई महत्व नहीं। ठीक है दोस्तों, तीन पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों इसमें आर इनवर्स। ठीक है, अगर मैं आर इनवर्स की मैं बात करना चाहूँ दोस्तों तो आर इनवर्स किस प्रकार से हमारे पास ये निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आर इनवर्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आर इनवर्स के लिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आर इनवर्स के लिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ए कोमा बी दे रखा हमारे पास तो ये बी कोमा ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये अगर आर दे रखा है तो ये आर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ए कोमा बी दे रखा है तो बी कोमा ए हो जाएगा, मतलब सात कोमा एक दे रखा है तो ए कोमा सात हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे चार कोमा दो दे रखा तो यहाँ पे दो कोमा चार हो जाएगा, दो कोमा चार और फिर बाद में यहाँ पे एक कोमा तीन देगा तो तीन कोमा एक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इनको कर लिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आर का या फिर मैं इनके रिलेशन यानी कि आर के प्रांत, ठीक है, आर का प्रांत और आर इनवर्स के प्रांत के बारे में रिलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी आर का प्रांत दोस्तों मैं कह सकता हूँ आर का प्रांत, ठीक है, यानी कि आर का प्रांत जो है वो किसके बराबर रहता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आर का प्रांत आर के आर इनवर्स के परिसर के बराबर होता है, आर इनवर्स के आर इनवर्स का परिसर ये दोनों हमेशा बराबर रहेगा। आप देख सकते हो दोस्तों मैं कह रहा हूँ आर का प्रांत यहाँ पे सात चार एक और आर इनवर्स का परिसर आर इनवर्स का परिसर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों परिसर ये रहेगा एक सात एक चार सात या सात चार एक इक्वल है, यहाँ पे आर का प्रांत सात चार एक और आर इनवर्स का परिसर यानी बी कोऑर्डिनेट या एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात होती है सात चार एक। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों आर का जो परिसर होता है आर का जो परिसर होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे आर इनवर्स के प्रांत के बराबर होता है, आर इनवर्स का प्रांत ये हमेशा बराबर होता है। आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे दोस्तों इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद और भी कुछ नई बातें करेंगे दोस्तों, ऐसा कैसा एक दो क्वेश्चन और होगा मैं इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतर के बाद नेक्स्ट अगेन हम कुछ और नई बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो इनको जल्दी से उतारो दोस्तों एक बार। देखो इनको मैं यहाँ छटा रहा दोस्तों और नेक्स्ट अगेन मैं क्वेश्चन नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ और किस प्रकार से ये रहेगा।
देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों समुच्चय, और समुच्चय में ले रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से समुच्चय ए ले रहा हूँ, ठीक है। और समुच्चय ए में यहाँ पे मैं इसके एलिमेंट ले रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से एलिमेंट लिए, मैं एक समन इस प्रकार से परिभाषित है, मैं एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, इस प्रकार से परिभाषित है, ठीक है, इस प्रकार से परिभाषित है कि देखो कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू 12, ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू 12 एंड ए और बी, ए एंड बी इज एप्सिलॉन टू ए, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा है, ठीक। अब इसके अंदर हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट हमें ज्ञात करना आर, सेकंड हमें सेकंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों आर का प्रांत, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे थर्ड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आर का परिसर, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आर इनवर्स, फिफ्थ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आर इनवर्स का प्रांत, ठीक है। और फिफ्थ सिक्स्थ यहाँ पे आर इनवर्स का परिसर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों हमारे पास जो रिलेशन तैयार का वो किस प्रकार से ए बी सच दैट ए प्लस फोर बी इज इक्वल टू 12 एंड ए एंड बी इज एप्सिलॉन ए, ठीक है। यानी ए और बी है कहां से आना चाहिए दोस्तों, ए और बी दोनों यहाँ पे सेट ए से ही आना चाहिए, ठीक है, इससे बाहर नहीं आना चाहिए, कम ना ज्यादा, ठीक है। यानी दोस्तों ए और बी कहां से आना चाहिए दोस्तों, हमारे पास एक से दस तक ही आना चाहिए, ऐसा हमें कह रहा है क्वेश्चन। और जो हमारे पास रिलेशन दे रहा है ए प्लस चार बी इक्वल टू 12, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों ए प्लस चार बी बराबर 12, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए इज इक्वल टू 4 या 12 माइनस 4 बी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इनको लिया, देख यहाँ पे मैं अगर कह रहा दोस्तों अगर बी इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे एक बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा, 4 में 12 में से 4 जाएगा तो 8, बी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 4, बी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों 3, तो यहाँ पे हमारे पास ए इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12, 12 में से 12 0, देख यहाँ पे 0 इस समुचे ए का पार्ट नहीं है दोस्तों, इस समुचे ए का पार्ट नहीं है दोस्तों, तो देख यहाँ पे हमारे पास दोस्तों कह सकता हूँ कि हम यहाँ पे बी इज इक्वल टू 2 तक इसको हम लेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी ए और बी कहाँ से आना चाहिए, सेट ए से आना चाहिए, सेट ए से मतलब है 1 से 10 तक ही आना चाहिए, इनके बाद वाली कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए, इससे पहले वाली भी कोई भी संख्या या कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद अगेन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसके रिलेशन के बारे में, ठीक है। और रिलेशन का मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास रिलेशन किस प्रकार से लेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें ई कोऑर्डिनेट पहले एंड एक्स कोऑर्डिनेट फिर ए और फिर बाद बी, ए और बी, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 8 1 एंड फिर 4 2, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आर का प्रांत की, ठीक है, और प्रांत यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट रहता है वही हमारे पास आर का प्रांत रहता है, दैट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों 8 और 4 ये हमारे पास क्या दोस्तों आर का प्रांत है। आर के परिसर की बात कर रहा हूँ दोस्तों आर का परिसर, और आर का परिसर का मतलब यहाँ पे दोस्तों वाई कोऑर्डिनेट जो रहता है दोस्तों, वाई कोऑर्डिनेट के जो अभी भी रहता है दोस्तों वो हमारे पास क्या रहता है आर का परिसर, मतलब 1 और 2 1 और 2 लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आर इनवर्स की, या आर इनवर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आर इनवर्स, दैट मीन्स इसका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाएगा, यानी 1 8 यानी 8 1 का 1 8 और 4 2 का 2 4 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से लिखा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आर इनवर्स का प्रांत, आर इनवर्स का प्रांत और आर इनवर्स का प्रांत किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अगेन यहाँ पे आर इनवर्स का प्रांत मतलब 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद
यहाँ पे आर इनवर्स का परिसर और आर इनवर्स का परिसर मतलब पाई कोऑर्डिनेट के जो एलिमेंट रहेंगे दोस्तों उसकी बात होगी और आठ और चार इस प्रकार से हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर है तो मुझे कमेंट करके बताएं जिससे कि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन के लिए। देखो नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं समुच्चय आर क्वेश्चन नंबर पास समुच्चय ए। ठीक है, और समुच्चय ए में यहाँ पे इस प्रकार से लिखना दोस्तों इसके एलिमेंट एक दो तीन चार पांच छह। ठीक है, इस प्रकार से लिखा और मैं कह रहा हूं मैं परिभाषित एक समान मैं परिभाषित एक समान एक समान इस प्रकार से है कि। ठीक है, और यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों आर आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट। ठीक है, ए बी सच दैट ए व बी यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों ए व बी परस्पर अभाज्य है, परस्पर अभाज्य। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं लिख रहा हूं परस्पर अभाज्य है। ठीक है, परस्पर क्या दोस्तों अभाज्य है। देख यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ समुच्चय ए एक से छह तक यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिए। ठीक है, मैं परिभाषित एक समान इस प्रकार से है कि यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए और बी परस्पर अभाज्य है। ए और बी कहाँ से आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ए और बी सेट ए से आना चाहिए दोस्तों। ए और बी कहाँ से आना चाहिए, सेट ए से आना चाहिए। और यहाँ पे ए और बी परस्पर अभाज्य मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर डिवाइड नहीं हो दोस्तों। तो यहाँ पे हमें निकालना है आर। ठीक है, आर यहाँ पे रिलेशन पे हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दूसरे को आर निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें कह रहा है दोस्तों कि किसी भी प्रकार से ए और बी परस्पर
विभाजित नहीं है, ठीक है, यानी पूर्ण विभाजित नहीं है, अभाज्य है, परस्पर अभाज्य है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एक जो हमारे पास दे रखा है, एक हमारे पास जो दे रखा दोस्तों, इसमें एक का प्रत्येक संख्या में भाग रहता है, एक का प्रत्येक संख्या में भाग देते हैं, एक का रोल किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों दो, ठीक है, यानी क्रम हमारे पास ए और बी रहना चाहिए दोस्तों। अब दो दो का तीन में भाग जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता, ठीक है, दो कॉमा तीन। फिर यहाँ पे चार में दो का भाग जाता है, पांच में दो का भाग नहीं जाता है, तो दो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दो कॉमा पांच, और छह में दो का भाग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ तक रहेगा, ठीक है। फिर बारी आती है तीन की, तीन में यहाँ पे दो में तीन का भाग नहीं जाता, तो तीन कॉमा दो इस प्रकार से लिखा। देखो फिर बाद में यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों कि चार में तीन का भाग, ठीक है, तो नहीं जाता यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तीन कोमा चार। पांच में तीन का भाग, यहाँ पे तीन कोमा पांच भाग, अभाज्य संख्या यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे बारी आती है चार की, ठीक है, तो चार में दो का भाग होता है, तीन का नहीं जाता, ठीक है, तो चार कोमा तीन यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं चार कोमा पांच भी लिख देता हूँ, चार कोमा पांच और चार कोमा छह नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, अभाज्य का मतलब किसी भी प्रकार से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, ठीक है। फिर छह की बात करूँ, छह में यहाँ दो का भाग जाता है, ठीक है, या फिर पांच की बारे आ रही है, ठीक है दोस्तों, पांच में दो का भाग नहीं जाता है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, पांच में तीन का भी भाग नहीं जाता है, फिर पांच में मैं कह सकता हूँ दोस्तों पांच में चार का भी भाग, ठीक है, नहीं जाता है। फिर बाद में पांच में छह का भी भाग यहाँ पे नहीं जाता है। फिर बाद में छह की बात किया जाए दोस्तों, और छह में छह में दो का भाग, छह में तीन का भाग जाता, छह में चार का भी भाग, छह में पांच का भाग नहीं जाता, ठीक है, सिंपली इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से हमारे पास ये क्या बन रहा है दोस्तों, सेट बन रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, यानी क्वेश्चन इस प्रकार से समुचे ए देर का मेरे परिभाष एक समझ इस प्रकार से कि ए को बा बी सदस्य ए और बी परस्पर अभाज्य, यानी परस्पर अभाज्य का मतलब दोस्तों एक दूसरे से बाद में जाए, ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इसी प्रकार से एक और एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसकी हम बात करेंगे, इसको एक बार पहले उतार लेते हैं फिर बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी प्रकार से। देखो यहाँ पे इसको हटा रहा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन में, फिर बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे वाले सेशन में, जिसके अंदर यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशंस की बात करेंगे और इनसे रिलेटेड और भी जो डेफिनेशंस रहेगी उन सब की बात करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कोई भी सेट दे रखा है ए, और सेट ए में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इसके जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सेट बी, और सेट बी में हमारे पास जो हमारे पास एलिमेंट है दो तीन पांच, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से परिभाषित, या ए से बी में यहाँ पे लिखा दोस्तों ए से बी में और ए से बी में एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, मैं संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से है कि R इज इक्वल टू ए ए कॉमा बी सच दैट a इज इक्वल टू 2b, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास जो a और b है, ये a और b है, ये कहाँ से आना चाहिए दोस्तों, ये यहाँ पे a से आना चाहिए कैपिटल a से, ठीक है, a इज बिलोंग टू a कैपिटल a, और b कहाँ से आना चाहिए दोस्तों b से आना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमें निकालना क्या दोस्तों, यहाँ पे हमें निकालना R और R इनवर्स निकाल, दो क्वेश्चन यहाँ से हम कर लेते, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों R और R इनवर्स निकाल के मुझे बताइए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है
कि ए कहां से आना चाहिए दोस्तों, यार ए इज इक्वल टू बी दे रहा है, ए इज इक्वल टू हमारे पास रिलेशन क्या दे रखा है, टू बी, ठीक है। और ए यहां ए से आना चाहिए, ए इज द 1 2 3 4 5 6 यानी कि सेट ए के एलिमेंट यहां पे 1 से 6 तक दे रखे, सेट बी के एलिमेंट 2 3 5 यानी इनके अलावा कोई भी दूसरे एलिमेंट यहां पे नहीं होना चाहिए इस बी के लिए, ठीक है दोस्तों। या इस ए के लिए आप 1 से 6 इनके अलावा कोई भी एलिमेंट यहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हमारे पास ए इज इक्वल टू बी, दैट यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पे इसको मैं देखो, अगर b इज इक्वल टू यहां पे मैं लेता हूं 1, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 है क्या यहां पे बताओ मुझे, b इज इक्वल टू 1 है क्या यहां पे, नहीं आना यहां पे, ठीक है दोस्तों। दैट यहां पे मैं b इज इक्वल टू 2 ले रहा, ठीक है दोस्तों, b इज इक्वल टू क्या ले रहा 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा बताओ मुझे, a इज इक्वल टू भी देगा 2 * 2 4, और 4 इसके अंदर है ना, एक मिनट सॉरी, यहां पे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 4, और 4 इसके अंदर है ना a के अंदर, ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पे b इज इक्वल टू मैंने 2 लिया, क्यों लिया दोस्तों, कि b इज इक्वल टू यहां पे 2 हमारे पास है, 1 नहीं है, 1 कहीं पे दिख रहा है कि नहीं है, b इज इक्वल टू यहां पे मैं 3 ले रहा हूं दोस्तों, यहां b इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं 3, तो a इज इक्वल टू यहां पे 2 * 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, a इज इक्वल टू यहां पे 2 * 3 दैट यहां पे 6, और 6 इसमें आपको दिख रहा दोस्तों, तो इस प्रकार से b इज इक्वल टू यहां पे मैं कितना ले रहा हूं दोस्तों, अब की बार ये 5 ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे a इज इक्वल टू यहां पे 2 * 5, तो यहां पे 2 * 5 देता 10 है, 10 इसके अंदर दिख रहा है क्या दोस्तों, दैट यहां पे इनवैलिड रहेगा, ये हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इनवैलिड रहने वाला, दैट मींस यहां पे मैं कैसे कहता हूं दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले r की बात कर रहा हूं, r जो हमारे पास रिलेशन है, ठीक है दोस्तों, r की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे r में सबसे पहले जस्ट मैं कैसे कहता हूं दोस्तों, हमारे पास r रिलेशन में यहां पे 4 कॉमा 2 और 6,3, ठीक है 6,3 इस प्रकार से हमारे पास ये हैं, और r इनवर्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, दैट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास, यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों 2,4 एंड 3,6, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे, जिसके अंदर हम यहां पे टाइप ऑफ रिलेशंस और इनसे रिलेटेड बहुत सारी डेफिनेशन वगैरह ये लोग ये लंबा चैप्टर रहने वाला दोस्तों हमारे पास ये, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, और इस सेशन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज द अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, और आज का संदेश इस प्रकार से है।